गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर 8 एडजेक्टिव. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. तो हमें क्या फिल करना है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन से होते हैं? जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स को. किसको डिस्क्राइब करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स को. के Our players showed their stamina during the match. यहाँ पर हमारा noun है stamina, और ये कौन सा noun है? Abstract noun. कौन सा noun है? Abstract. ठीक है, तो जो हमारे abstract noun होते हैं, material noun होते हैं, उनको हम count नहीं कर सकते, उनके साथ हम adjective of quantity use करते हैं. ओके, तो हम यहाँ feel करेंगे much. Our player showed much stamina during the match. Next देखेंगे, please give me dash rice. इसमें हम फिल करेंगे सम. राइस को भी हम काउंट नहीं कर सकते. Please give me some rice. Next, there is dash sense in what you say. क्या हम फिल करेंगे? N O no. There is no sense in what you say. In this season, we observe dash rain. इसमें हम सम भी लिटिल भी फिल कर सकते हैं और मच भी फिल कर सकते हैं. We observe much rain. They wasted their wealth in the horse racing. They wasted their all wealth in the horse racing. Next, Roger Federer worked dash hard to win the Wimbledon टूर्नामेंट. तो हार्ड से पहले हम यूज करेंगे एडजेक्टिव वेरी. तो ये सभी जो एडजेक्टिव्स हैं, ये कौन से एडजेक्टिव हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. आपको यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स फिल करने हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं हमारे दिस, दैट, दीज एंड दोज. पापा हैज बॉट डैश गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डरबन. सो पापा हैज बॉट दिस गिफ्ट. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं नाउन को पॉइंट आउट करने में. डैश गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून. सो वी विल यूज हियर दीज गर्ल्स. गर्ल्स प्लूरल है तो दीज यूज करेंगे. नेक्स्ट, आई विल नॉट एक्सेप्ट these excuses, also plural. Next, dog will not come here again to bite you. That dog will not come here again to bite you. Next, get best toys here which I gave you yesterday. Get those toys here which I gave you yesterday. Number 6, dash orchard were once ours. Those orchard. So we will use this and that for singular and those, these and those for plural. This or these point out करते हैं हमारे nearby things को, और that and those जो हमारे से far away यानी दूर होती हैं. Okay? तो ये कौन सी adjectives हैं हमारे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3, सेलेक्ट द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव गिवन ब्लो. यहां पर आपको क्या फिल करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब वन पर्सन और थिंग ऑफ अ ग्रुप. एक ही ग्रुप के जो पर्सन और थिंग्स को डिस्क्राइब करती है. आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट डैश वन took part इन द इवेंट. यहां आपको ऑप्शन दिए हैं आइदर और ईच. तो हम यहां फिल करेंगे ईच. ईच क्यों फिल करेंगे? क्योंकि हम ईच स्टूडेंट की यहां पर बात कर रहे हैं. 100 में से ईच स्टूडेंट, ईच वन टू पार्ट इन द इवेंट. सभी ने वहां पर पार्ट लिया. के नेक्स्ट देखेंगे, डैश पर्सन शुड मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग इन हिज लाइफ.
ऑप्शन है एवरी और नाइदर। इसमें हम फिल करेंगे एवरी। एवरी पर्सन शुड मेक सर्टेन, ओके, सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग। नेक्स्ट नंबर थ्री, बिटवीन सचिन एंड राहुल डैश प्लेयर इज लेजी। इसमें हमारे ऑप्शन है एवरी एंड नाइदर। एवरी एंड नाइदर, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? नाइदर फिल करेंगे। तो आइदर और नाइदर कहां फिल करते हैं हम? जहां पर दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों के बीच की बात होगी, मीन्स टू पर्सन की बात जहां होती है वहां पर हम आइदर और नाइदर यूज करते हैं। अगर टू से ज्यादा की बात होगी तो वहां हम आइदर और नाइदर का यूज नहीं करते। देयर आर टू अम्ब्रेलास, फिर से हम टू की बात करें, टू अम्ब्रेलास, यू कैन टेक डैश वन। तो आप यहां पर एवरी नहीं लिखेंगे, आइदर, आइदर वन। नेक्स्ट, बिटवीन कोलकाता एंड बेंगलुरु यू कैन विजिट, यहां फिर से टू सिटीज की बात हुई है, वन, एवरी और ईच। तो हम यहां फिल करेंगे ईच वन, ईच वन। डैश कंट्री ट्राइज टू बिकम स्ट्रॉन्गर देन अदर, सो एवरी और आइदर। जब हम कंट्री की बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर देन अदर, तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एवरी की। एवरी कंट्री ट्राइज टू बिकम स्ट्रॉन्गर देन अदर। सो दीज ऑल आर अवर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव फिल करेंगे। फर्स्ट वन, डैश टर्न इज नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट टर्न की बात कर रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव फिल करना है, इंटेरोगेटिव वर्ड फिल करेंगे। हम यहां फिल करेंगे हुज टर्न इज नेक्स्ट, हुज टर्न इज नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे, डैश आइडिया डू यू हैव इन योर माइंड, ठीक है, तो यहां हम फिल करेंगे व्हाट, व्हाट आइडिया डू यू हैव इन योर माइंड। नेक्स्ट देखेंगे, डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्लीन द रूम, यहां हम फिर से क्या फिल करेंगे? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्लीन द रूम। नेक्स्ट नंबर फोर, डैश चैनल डू यू वॉच द मोस्ट, तो विच चैनल डू यू वॉच द मोस्ट। दीज आर अवर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ओके।